हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार फोन फिक्स हैदराबाद की टीम आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आती है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं रेडमी 7Y3 की इनर्जी चेंज का प्रोसेस। हमने यहाँ पे बताया है कि फुल प्रोसेस है, विदाउट स्किप किए हमने A to Z बताया है आपको कैसे हमने इसमें काम किया है। नेक्स्ट बैच हमारा 5 मई से है। अगर आप चाहे कॉल करके अपनी सीट बुक करा लीजिए, लिमिटेड सीटें हैं। अगर आपको एक प्रो लेवल का टेक्नीशियन बनना है, अच्छे लेवल पे काम करना है, तो आज ही ज्वाइन करिए फोन फिक्स हैदराबाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारा हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। जुड़े रहिए फोन फिक्स हैदराबाद टीम के साथ, और जितने भी हमारी यूट्यूब की फैमिली है या फेसबुक की फैमिली है या मेरे व्हाट्सएप के जो मेरे भाई लोग हैं, सबसे मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, आपके लिए एक नए नए वीडियोस में लाता रहूंगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और ये वीडियो पूरा देखे, बिल्कुल भी स्किप ना। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक रेडमी 7 का एक फोन आया है मार्केट से, जो कि इसमें एमएमसी का इशू है। और यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आप एक फोन है जिसमें एमएमसी खराब है, डेड है, और इसमें एमएमसी लक्की भी नहीं है। ये विदाउट एमएमसी बोर्ड आया है हमारे पास, जैसा कि मार्केट में किसी ने इसका एमएमसी निकाल के फेंक दिया है, इसमें एमएमसी उसको डेड मिला था, उसके बाद वो उसे चेंज नहीं कर पाया, तो ये हमारे पास लास्ट में हमारे पास आया है। तो हमने इसको यहाँ पे डायग्नोस किया, इसका एमएमसी हमने इसका कॉम्पिटिटिव निकाल के रखा हुआ, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने मिलेगा एक सैमसंग का एक एमएमसी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, एक आपको क्लियर दिखा देता हूँ, जैसा कि मेरा ये सैमसंग का एक एमएमसी है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे ये एमएमसी आपको कॉम्पिटिटिव लेना है, आपको मैं वीडियो में आगे में बताऊंगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप ये आईसी लेना है, उसके बाद इसको आरपीएम भी क्लीन करके आपको प्रोग्रामिंग करके इसमें डालना है। तो ये आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आप वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपको प्रॉपर वे में अगर काम करना है, आपको अच्छे से सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर आधा वीडियो देखेंगे और स्किप करके करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, स्टेप नहीं समझ में आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो ये सारे स्टेप हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे करना है। जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे बोर्ड है जिसमें विदाउट एमएमसी पोर्ट बना रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे साइड में रखेंगे और यहाँ पे ये एमएमसी को प्रोग्रामिंग करके आपको लाइव इसके अंदर डाल के चालू करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आएंगे योफाई बॉक्स में, जैसे कि मेरा यहाँ पे बॉक्स है योफाई का, मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा योफाई के अंदर किस तरह आपको करना है। और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं योफाई का टूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले एमएमसी लगा दिए बॉक्स में, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे योफाई का बॉक्स। तो योफाई का टूल, एमएमसी टूल बॉक्स को हम यहाँ पे ओपन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो गया, हम इसे कैंसिल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे जो हमने एमएमसी बॉक्स में लगाई है सैमसंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एमएमसी मेरे पास अवेलेबल है जो कि 16 GB का स्टोरेज है और इसका आरपीएम भी क्लीन है। और ये एमएमसी मैंने फोन माइक्रो डीबी से कॉम्पेटिबल देख के लिया है। आपको भी मैं बताऊंगा कैसे लेना है ये एमएमसी। तो सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पे टूल ओपन, फोन माइक्रो डीबी। ये टूल आपको फ्री मिलेगा, नेट पे आप डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से इसको क्रिएट अकाउंट करके अपनी जीमेल आईडी लॉगिन कर देना, और यहाँ पे क्रिएट पे जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया क्रिएट पे, यहाँ पे आप जीमेल आईडी लॉगिन कर देना और क्रिएट पे क्लिक कर देना, तो आपके जीमेल अकाउंट पे एक मैसेज आएगा आपको, जैसे कि वहां से एक्टिवेट अकाउंट करना है। जैसे वहां पे एक्टिवेट अकाउंट कर देंगे आप, यहां से आई हैव अकाउंट करके फिर यहां पे लॉगिन कर देना। आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट 60 डेज के लिए चलेगा, वन टाइम। आप फिर सेकेंड टाइम फिर से आईडी जीमेल आईडी लॉगिन करके फिर से आप ये काम कर सकते हैं। तो यहां पे हम आईडी लॉगिन कर लेंगे सबसे पहले। तो यहां पे आईडी लॉगिन हो गया और मेरा टूल भी ओपन हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना कि आपको लेना है, फोन्स में जाना है, फोन्स में इसमें माइक्रोचिप से भी आप जा सकते हो,
अगर आपके पास एसके हाइनिक या सैमसंग का पुराना एमएमसी अगर डेट पड़ा हुआ है तो आप बाय उसके कोड से भी जा सकते हो या फिर आप बाय ब्रांड भी जा सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शाओमी के अंदर जो मेरा आज का रेडमी 7 का एमएमसी चेंज का वीडियो है, तो मैं आपको बताऊंगा रेडमी 7 में आना है सबसे पहले आर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे रेडमी 7 आपको देख के मिलेगा। तो यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ से आपको इतने सारे एमएमसी बता रहा है कि आप इसमें से कोई भी एमएमसी उठा के लगा सकते हैं, लेकिन आपको लगाना यही है सैमसंग का एमएमसी लगाना है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ऊपर के इसमें दो सैमसंग का है, नीचे में आपको 5 एमएमसी मिल रहे हैं और ये आईसी का आरपीएम भी क्लीन होता है, बाकी के आईसीओ का आरपीएम भी क्लीन नहीं होता। अगर आप बाकी के लगाएंगे तो आपका फोन हैंग ऑन लोगों पे रिस्टार्ट होगा या फोन बूट नहीं कर पाएगा या वाइब्रेट करेगा, तो आपको ये सारे दिक्कतें आएगी। इससे अच्छा है आप सभी कभी भी सैमसंग का एमएमसी ले लेना, उसका आरपीएम भी क्लीन करके आप उसको फिक्स कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे LPDDR3 बता रहा है, रैम मेरा BG221 बता रहा है और आप भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 216, 232, 464 आप इसमें से कोई भी उठा के लगा सकते हैं। जैसे कि किसका स्टॉक रोम अगर आपको एक्सटेंड करना है, जैसे कि 216 से अगर किसी को बढ़ा के देना है 464, तो आप 464 का इसमें से एक आईसी उठा लेना और आप उसको एक्सटेंड करके दे सकते हैं। तो आप ये भी काम इसमें प्लस पॉइंट आपका ये भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक आईसी जो डिटेक्ट किया है जो कि इसका नंबर है KMQE600013M B318, इसका जो नंबर है हमारे पास यहाँ पे एमएमसी है, जैसे कि आपको यहाँ देखने मिलेगा KMQE600013M B318। जैसे कि मेरा 216 का आईसी है, तो मैं ये आईसी अभी आपको प्रोग्रामिंग करके ये फोन को आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कैसे ये फोन को ऑन करना है। तो चले आगे, वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आईसी हमने डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक बार फिर से आइडेंटिफाई आपको करके बताता हूँ। तो ये आईसी का ऑलरेडी मैं आरपीएम भी क्लीन करके रखा हूँ, तो इसमें अब मैं एक फ्लैश फाइल डालूंगा, जैसे कि मेरे पास आपको बताऊंगा मैं स्टेप। तो यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे पहले रेडमी 7 में और जैसे कि मेरा पास जो फाइल है रेडमी 7Y3, जैसे कि Y3 और रेडमी 7 दोनों सेम ही मॉडल होता है, आप दोनों का एक जैसा ही प्रोसेस करना। तो यहाँ पे मेरे पास स्टेप 1 का एक फाइल है, उसके बाद एक स्टेप 2 है। तो आप स्टेप 1 का पहले यहाँ पे ये फाइल को फ्लैश करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि फ्लैश फैक्ट्री इमेज में आपको आना है फ्लैशिंग करने के लिए, और दूसरा आपको लेना है कॉलकॉम का यहाँ पे, और कॉलकॉम लेने के बाद आप सिंपली यहाँ पे उसका रो प्रोग्राम फाइल उठा के डाल देंगे। जैसे कि मेरा यहाँ पे रो प्रोग्राम की फाइल यहाँ पे है, ये फाइल को मैं सिंपली यहाँ उठा के डाल देता हूँ और ये फाइल को मैं यहाँ से सबसे पहले आपको स्टेप 1 राइट करना है। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ आपके सामने लाइव, ठीक है। यहाँ पे मेरा फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया, ये आपका स्टेप 1 फाइल होता है, सबसे पहले इसको फ्लैश करना है। उसके बाद मैं आपको जैसे कि ये फ्लैश होने के बाद आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन इसमें शो नहीं करेगा, इट मीन्स इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, लेकिन आपको सेकेंड फाइल जैसे आप डालेंगे इसके साथ ही तो आपका सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन भी शो करना हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखना, इन तक देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि हम क्या क्या प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा सा ये फाइल को राइट होने तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा स्टेप 1 फ्लैश डन हो गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डन आ गया है। अब यहाँ पे मैं सिंपली आइडेंटिफाई कर लेता हूँ एमएमसी को। तो जैसे कि यहाँ पे फ्लैश होने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा स्टेप 1 का फाइल था। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे स्टेप 2 फाइल, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर पार्टीशन शो करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपके यहाँ पे स्टेप बता रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे रेडमी 7Y3 एमएमसी चेंज फोन फिक्स HYD स्टेप 2 फाइल जो हमारा है। तो यहाँ पे हम ये फाइल को राइट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मेरा यहाँ पे रो प्रोग्राम फाइल है, मैं यहाँ पे ये फाइल को सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ
उसके बाद में 5.0 को भी मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पार्टीशन को टिक लगा हुआ रहना चाहिए, कोई भी अनटिक नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली राइट करेंगे और यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट हमारा ये स्टेप होता है स्टेप टू का। तो यहाँ पे इसको टाइम लगेगा मिनिमम 5 मिनट्स का, तो टाइम लगेगा, आपको वेट करना है जब तक हम थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग डन हो गया है। अब हम यहाँ पे आईसी को निकाल देते हैं और बोर्ड में फिक्स कर लेंगे और इसको ऑन करके आपको लाइव बताएंगे कि क्या हमें इसको स्टेप बाई स्टेप करना है। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे एमएमसी को फिक्स कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे। ज़्यादा फ्लक्स नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर आईसी एक जगह नहीं रुकेगा आपका। तो यहाँ पे आईसी को हम करेंगे फिक्स। तो यहाँ पे हमारा आईसी फिक्स हो गया, थोड़ा सा बोर्ड को कूल होने देंगे।
तो यहाँ पे ऑन करके देखेंगे सबसे पहले बैटरी हमारा चार्ज है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका MI रेडमी का लोगो आ गया, फर्स्ट लोगो, और देखेंगे हमारा सेकेंड लोगो अगर आ जाएगा तो हमारा फोन बूट हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सेकेंड लोगो भी आ गया है, जैसा कि मेरा यहाँ पे सेकेंड लोगो आने के बाद अब आपका फोन यहाँ से बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम में बूट होने के लिए टाइम लगता है कोई भी फोन के लिए, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। एक किसी को 4 मिनट्स, 5 मिनट्स या 6 मिनट्स, 7 मिनट्स ऐसे टाइम लगेगा फोन के लिए। तो यहाँ पे आपको वेट करना है। जैसे कि फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे फोन अभी ऑन हो रहा है पूरा, उसका वेलकम स्क्रीन आ गई है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, MIUI 10 वर्जन यहाँ पे हमारा फोन बूट कर लिया पूरी तरीके से। हम यहाँ पे उसको सेटअप कर लेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देख लिया पूरा लाइव वीडियो, जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कैसे आपको MMC कॉम्पेटेबल लेना है, उसके बाद RPM भी क्लीन करना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कौन सी फाइलें आपको राइट करनी है, किस तरह करना है प्रोसेस, आपको मैंने पूरा प्रोसेस वीडियो में बता दिया। लास्ट तक आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो आपने जब पूरा वीडियो देख लिया तो आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा कैसे आपको काम करना है। तो यहाँ पे हमारा पूरे तरीके से फोन बूट हो गया। कई जगह पे बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि सर ये फोन हैंग ऑन लोगो पे अटक जाता है, फाइल इसकी राइट नहीं होती प्रॉपर, या फाइल राइट करने के बाद फोन पूरा तरीके से बूट नहीं होता है, कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक होता है। तो ये सारे चीजें हम यहाँ पे स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप सारे चीजें बताते हैं कि उनसे आगे कभी मिस्टेक ना हो ये काम के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे सारा हम नेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा फोन ऑन हो रहा है हमारा, और यहाँ हमारा लास्ट सेटअप कंप्लीट हो जाएगा।
यहाँ पे भी कुछ 2 मिनट्स या 3 मिनट्स का टाइम लेता है, तो वेट करेंगे। ये सारे आपके जो ऐप्स होते हैं, जो ऑप्टिमाइजिंग होते हैं, लोडिंग होते हैं, इसके लिए यहाँ पे टाइम लगता है ये लास्ट सेटअप पे, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। आपका पूरा लोडिंग होने के बाद फिर ये आपका फ़ोन आगे बूट हो जाएगा, मेन स्क्रीन पे आ जाएगा आपका फ़ोन। जैसा कि फ्रेंड्स मेरा फ़ोन अभी यहाँ पे पूरा बूट हो गया और यहाँ पे अभी सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे सामने। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बेसबैंड दिखाऊंगा, आप यहाँ पे आना सेटिंग्स में, यहाँ बताना। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे अबाउट फ़ोन में आपको बेसबैंड वर्जन यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 GB RAM एंड 16 GB storage, जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं आपके सामने। मैंने ये कॉम्पेटेबल MMC लिया था और यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब इसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी फाइल, आपको सिक्योरिटी डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अनेबल टू गेट IMEI बता रहा है, तो मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूंगा, लेकिन आपको ये प्रोसेस नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारे इलीगल होते हैं, बताना ये आपको ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे चीज़ें मैं आपको राइट करके बताऊंगा लास्ट में, वेट करना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसका सिक्योरिटी रिपेयर कर दिया, जैसा कि मैंने अब इसको रिबूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे फ़ोन ऑन हो रहा है और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा सिक्योरिटी मैंने इसका राइट किया हुआ है, लेकिन ये सारे प्रोसेस हम इसमें नहीं बताते आपको। जैसे कि फ़ोन यहाँ ऑन हो गया मेरा और यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको मैं यहाँ पे IMEI नंबर बताता हूँ सबसे पहले। जैसा कि मेरा यहाँ पे SIM2 IMEI 2 वाला मैंने IMEI नंबर यहाँ पे राइट किया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ देखने में मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा डन हो गया, मेरा फ़ोन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना।